तो बैड न्यूज मूवी देख ली है, अभी करेंगे रिव्यू। हाँ, कहानी फुल मॉडर्न जमाने की होने वाली है तो कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है, लाइक कि भाई इतना सारा कुछ कैजुअली कैसे जाता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर बात करें जो कुछ भी इस मूवी को हेट मिल रही है कि यार चीटिंग को प्रमोट कर रहे हो, मल्टीपल रिलेशन को प्रमोट कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें लॉजिकल वे में ही आपको देखने को मिलने वाली हैं जो सेंस बनाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेलर में बहुत कुछ ऐसा देखने को लग रहा था अटपटा, जो कई बार लग रहा, मुझे भी लग रहा था कि भाई माँ बहन कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों की क्या गरिमा है, उनकी क्या नेचुरैलिटी है, उनको कैसे पेश करना है, भाई वो सारी चीज़ें भी अच्छे धीरे से दिखा रही थी। लाइक एक फादर एंड चाइल्ड का इमोशन, उसे कैसे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एक नहीं दो दो फादर हैं, तो दोनों फादर की तरफ से भाई साहब, और उनकी तरफ से जो कॉम्प्रोमाइजेबल सिचुएशन देखने को मिली, क्योंकि भाई रियल लाइफ में वो चीज़ अगर आपसे कनेक्ट करेगी तो जेलिसी नाम की चीज़ बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। लेकिन बियॉन्ड ऑल दैट कि भाई साहब एक चाइल्ड वाला इमोशन वो जबरदस्त प्ले करके गया है। वही चीज़ अपने माँ के लिए, माँ बच्चे से कनेक्शन वो अच्छा भी प्ले करके गया है। साथ में जो भी कॉमेडी ड्रामा ह्यूमर इसके साथ निकलते रहेगा, वो जो पंचेस निकलेंगे भाई, वो सब चीज़ भी दमदार है। खासकर जो आजकल का पॉप कल्चर मीम मटेरियल सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे भाई साहब, वो सारी चीज़ें रिलेट करके जाएंगे, क्योंकि लगभग सिमिलैरिटी उन्हीं से मिलती जुलती है। एंड मूवी की कहानी प्लॉट करती है एक ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी में जो मजे में हो तो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर उस चीज़ को समेटने के लिए जितनी भी चीज़ें मूवी में दिखाई जाएंगी वो सारा कॉमेडिक वे में देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट वे में देखने को मिलेगा, जो फाइन तड़का देखा जाएगा। और ये पूरा पार्ट आपको इंगेज करके भी जाएगा, वो मीम मटेरियल का हिसाब किताब देखने को मिलेगा, पुरानी मूवीज का, मोहब्बतें हो गई, ऐ दिल है मुश्किल हो गई, ये सारे चीज़ों का कनेक्शन, देन भाई एनिमल का वो भाभी टू वाला जो डार्क ह्यूमर कह सकते हो वो मीम मटेरियल में इस्तेमाल हुआ था भाई, वो ही अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ऑल लुक फैंटास्टिक, ऐसा कुछ नहीं है कि जबरदस्ती कॉमेडी पे ली जाएगी भाई, सारा कुछ जो लिखावट करी गई है वो पेस के साथ करी गई है, नेचुरली वे पे करी गई है। एक एक चीज़ कैसे निकल के आएगी, उसका एक इमोशन है, उस इमोशन को कैसे अनवील करना है, कैसे एक सीन को दूसरे के साथ सेट करना है, ये भाई जबरदस्त था। बाकी बात करें विकी कौशल के रोल की, तो भाई फैंटास्टिक है, ये बंदा दिल लूट कर लेके जाएगा। एक्शन के साथ साथ इस बंदे का करियर बिल्कुल ब्राइट है कॉमेडी लाइन में भी, क्योंकि भाई जरा हटके जरा बचके में हमने वो देखा था गोविंदा मेरा नाम है, उसमें भी वो वही चीज़ हमने विकी कौशल का एक नया रूप देखा था, और यहाँ पर भाई अलग ही हिसाब किताब का एक माचो मैन एंड यंग भाई जबरदस्त गर्ल डॉल है जिसपे लड़कियां मरती हैं, लेकिन दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, फुल रोमांटिक बंदा है। ये वाला करेक्टर सॉलिड प्ले करके गया है। देन उसके बाद अमी विर्क की बात करें भाई साहब, अमी पाजी ने भी जबरदस्त काम कर रखा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर गुड न्यूज़ के वो दिलजीत पाजी वाला सेम सिंग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई साहब हमें वैसा देखने को मिले, लेकिन नहीं, दिलजीत पाजी ने अपना तड़का डाला है, वो साई कैरेक्टर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ एक रेस्पेक्टेड मैच्योर एंड करियर के लिए फोकस वाला एंड वो जो जितने भी पंचिंग लाइन, थोड़ा सा दब्बू कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, सुंदर लड़कियों के सामने इजहार करने से जो हिचकता है वो कैरेक्टर देखने को मिलेगा। भाई जो भी था, अमी पाजी ने अपना कैरेक्टर डाला है, कुछ ऐसा कॉपी वगैरह करने की या जबरदस्ती की लाइन नहीं निकल रही है जो भाई पकड़ में आ जाती है। नर उसके बाद बात करें कि इसके मेन पार्ट की हुकुम का इक्का भाई, जिससे बहुत लोगों ने उम्मीद नहीं करी होगी कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग भी करके जाएगी, तृप्ति दिमरी यानी अपनी भाभी टू, सब तो फैन है ही है भाई, लोगों ने नहीं उम्मीद करी होगी कि ये जबरदस्त एक्टिंग कर भी लेगी या इसकी तरफ से वो अच्छा ह्यूमर निकल कर आएगा इसके कैरेक्टर से। तो भाई ये इसके लिए की पॉइंट था, इसके लिए ब्राइट कैरेक्टर था, क्योंकि लोग अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस तृप्ति दिमरी ने दे रखा है भाई, इमोशनली सब कुछ, क्योंकि एक वो है जो अपने कैरेक्टर के लिए, मतलब अपनी लाइफ के लिए भाई करियर में भी फोकस करना है, लेकिन साथ साथ ये जो अनवांटेड चीज़ आ रही है लेकिन इनसे भी डिनाई नहीं होना है, तो एक टिपिकल कैरेक्टर को परफॉर्म करना, साथ में वो ढेर सारे डार्क इमोशंस देखने को मिलेंगे, एंड जो भी पंचिंग लाइन जो फनी पार्ट है उसका वो भी अच्छे से प्ले कर रखा है। देन उसके बाद वो एक सेल्फिश वाला कैरेक्टर की भाई साहब मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, ये प्रेगनेंसी वगैरह तो हो ही गई है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइजेशन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में उन दो फादर के साथ भी कॉम्प्रोमाइजेशन चल रहा है जो लड़ रहे हैं कि आगे जाके तृप्ति के साथ कौन रहने वाला है, जो एक कंपटीशन चल रहा है वहां पर। तो ये सारी चीजें भाई स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो प्लॉट होंगी वो जितने भी कॉमेडिक वे में, एंटरटेनिंग वे में परफॉर्म करा जाएगा वो सब दमदार है। तो बाबा मूवी ऑसम है,
ऐसा फ्रेश कंटेंट शायद नहीं आया होगा भाई। हॉलीवुड में भी जैसे हम कहते हैं कि बहुत एडवांस है। दूसरा भाई साहब जो ये भसड़ फैली रहेगी मूवी में वो है एक अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसमें तृप्ति दिमरी पहले अमी विर्क के साथ सेक्स करती है, सेम नाइट पर कुछ देर बाद अपने विकी कौशल फाजी के साथ भी सेक्स करती है, तो उन दोनों के स्पर्म से वो हो जाती है प्रेग्नेंट और दोनों के ट्विंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और वो फायदा जो फैलेगा, वो रायता जो फैलेगा, उस रायता को समेटने के लिए पूरी मूवी में जो भी कारनामे करे जाएंगे, जो भी पंचेस लाएंगी, जो भी कॉमेडी का तड़का आएगा भाई, वो सारी चीज़ें आपको दमदार देखने को मिलेंगी, वो कनेक्ट करके जाएंगी। लेकिन इससे ज़्यादा स्पॉइल और कुछ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको नया इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो भाई मूवी ऑसम है, जबरदस्त फ्रेश कॉन्टेंट आपको यहाँ मिलने वाला है, कोई भी कॉपी कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिलेगी और एंटरटेनमेंट का कोई से कहीं तक कमी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और द एंड बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई मूवी ऑसम है, टाइम निकाल के जाओ, दमदार है, ढेर सारा फन कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलेगा। मिलते रहेंगे, सी जय हिंद।